बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर टीचर यासिर खान एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन माई यूट्यूब चैनल लर्न विद खान। होपफुली यू ऑल विल बी फाइन, डूइंग वेल एंड लर्निंग मैक्सिमम फ्रॉम द वीडियोज़ दैट वी हैव अपलोडेड ऑन आवर यूट्यूब चैनल। इस चैनल से ज़्यादा बेनिफिट लेने के लिए, दूसरों को इसका फ़ायदा देने के लिए इस चैनल की वीडियोज़ को लाइक करें, इनको कमेंट करें, इनको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस से डिस्कस किया है। हमारी आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में वो टेंस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जो लेक्चर आज हमने देना है, आज का हमारा लेक्चर सेकेंड टेंस के ऊपर है, पास्ट इंडेफिनेट टेंस के ऊपर है। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की हमने काफ़ी सारी एक्सरसाइज की है, उसकी डिटेल्ड प्रैक्टिस की है। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि एक आध लेक्चर में वो आ जाए। अभी भी वोकेबलरी, अभी भी उसको ट्रांसलेट करना, उसके ऊपर आपने काम करते रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा काम करते रहना है। हमने जो फ़िक्रात ट्रांसलेट किए हैं वो कोई 120, मोर देन 120 हैं। तो हमारा मकसद था वहाँ से अपनी थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए उन फ़िक्रात को इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा उन अल्फाज को सीखना, वोकेबलरी को सीखना, ये हमारा मकसद था। इंडेफिनेट टेंसेस का दूसरा टेंस पास्ट इंडेफिनेट टेंस है। माजी में कोई काम हुआ, ज़माना जो है वो वक्त, उसमें हम नहीं बता सकते कि किस वक्त, लेकिन माजी में हुआ, माजी करीब में, बाइद में, लेकिन माजी में हुआ है वो काम। वो काम माजी में शुरू हुआ, माजी में ही ख़त्म हो गया हुआ है, वो अब चल नहीं रहा और वो काम ख़त्म हो चुका हुआ है, ख़त्म हो गया हुआ था। ऐसे काम को डिस्क्राइब करने के लिए जो टेंस यूज़ किया जाता है वो पास्ट इंडेफिनेट टेंस है। इस टेंस में सादा से ये रूल्स हैं, ये जो बॉक्स में लिखा है ये बात ज़हन में रखें आप, तो आपको पास्ट इंडेफिनेट टेंस के रूल्स यही हैं। पहली बात, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इज़ यूज्ड इन दिस टेंस इन पॉजिटिव सेंटेंसेज। मस्बत फ़िक्रात में सेकंड फॉर्म आएगी वर्ब की इस टेंस में। हेल्पिंग वर्ब डिड यूज़ होगा। देखें, पहले टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनेट में डू यूज़ हो रहा है और वो ही शी इट वालों के साथ डज यूज़ हो रहा है, तो उसकी सेकंड फॉर्म डिड है, यहाँ पे उसकी सेकंड फॉर्म आ जाएगी। तो मनफी और सवालिया फ़िक्रों में डिड यूज़ होगा, यानी उस डू की वो सेकंड फॉर्म हो जाएगी, तो फिर जो मेन वर्ब होगा उसकी हमेशा पहली फॉर्म आएगी। ये बात आपने याद रखनी है। और ये उर्दू फ़िक्रात के आखिर वाली जो पहचान है ये ऐसे ही है, इस बात को आप जहन में रख लें। जो हमने पिछले में भी देखा था कि ता है, ती है, ते हैं वगैरह। असल बात यह है कि आपको समझना चाहिए कि किन सिचुएशंस को डिस्क्राइब करने के लिए टेंस आपने यूज़ करना है। तो पहचान, लेकिन मैं फिर भी बताता चलूँ, छोटी ये, बड़ी ये या अलफ़ आता है। जैसे वो स्कूल गया, वो स्कूल गई, वो स्कूल गए, तो इन फ़िक्रात के एंड के ऊपर ऐसे ही छोटी ये, बड़ी ये और अलफ़ आ रहा है। सेंटेंस स्ट्रक्चर भी फिर वही बात है, ये यानी ये बातें ज़हन में होनी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद स्टूडेंट्स की मज़ीद आसानी के लिए, उनके मज़ीद लेवल पे आने के लिए कि चलें इस तरह से ही समझ लें इस चीज़ को। पॉजिटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आता है। फ़ाइल जो काम करने वाला है, वर्ब जो फेल है और ऑब्जेक्ट जिस पे काम हो रहा है मफूल, हम इन बातों से वाकिफ़ है। पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब सेकंड फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। नेगेटिव सेंटेंसेज में सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट और फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म, तो ये भी ज़हन में रखें। सेकंड फॉर्म सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस में है। फिर मनफी फ़िक्रों में, सवालिया फ़िक्रों में और सवालिया मनफी में फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म आनी है और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जो हेल्पिंग वर्ब डिड है वो शुरू में आ जाएगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड साइन ऑफ इंटेरोगेशन। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो हैं सवालिया मनफी फ़िक्रों में डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर है जो इसका हमने एक्सप्लेन कर दिया है। इनको आपने जहन में रखना है, इन चीज़ों को। एक बात और जहन में रखें, इधर पहले टेंस से और आसान है ये। पहले टेंस में तो फिर ही शी इट और आई वी यू दे और प्लूरल नाउन का ज़रा अलहदा चक्कर था, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तमाम तरह के सब्जेक्ट्स, तमाम तरह के नाउन्स के साथ जो सेंटेंस को स्टार्ट करें, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है और हेल्पिंग वर्ब सब के साथ डिड आना है, बाकी और कोई बात ही नहीं है इसमें। अब इसकी एग्जांपल्स कुछ देखते हैं जो इस सेंटेंस स्ट्रक्चर पे पूरी उतरें। अब हम एग्जांपल्स देखते हैं इसकी। सेंटेंस स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा। उसने नाश्ता किया, तो ही टुक ब्रेकफास्ट। पॉजिटिव सेंटेंसेस देखें, सब्जेक्ट आ गया ही, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, ऑब्जेक्ट आ गया। उसने नाश्ता नहीं किया, ही डिड नॉट टेक ब्रेकफास्ट, तो डिड नॉट आ गया और वर्ब फर्स्ट फॉर्म आ गई। क्या उसने नाश्ता किया, डिड ही टेक ब्रेकफास्ट। क्या उसने नाश्ता नहीं किया, डिड ही नॉट टेक ब्रेकफास्ट। उसने नाश्ता क्यों नहीं किया, अब ये क्वेश्चन वर्ड से इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से अगर इसको शुरू करें तो वाई डिड ही नॉट टेक ब्रेकफास्ट, तो क्वेश्चन वर्ड स्टार्ट पे आ जाएगा और फिर डिड आएगा और वर्ब फर्स्ट फॉर्म आएगी। उसने नाश्ता कब किया, व्हेन डिड ही टेक ब्रेकफास्ट, फिर क्वेश्चन वर्ड से। और अगर आज नाश्ता किसने किया, तो आपको समझाया था कि जो क्वेश्चन वर्ड हु है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हु के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आता। इसके बाद जो है जैसे हु नॉक्स एट दी डोर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और अगर इसमें कहें हु नॉक्ड एट दी डोर, यानी हु के बाद डू डज और इस टेंस में डिड का यूज़ नहीं होगा, यानी हु टुक ब्रेकफास्ट आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होगा। अब हम और एग्जाम्पल्स इसकी देखते हैं, डिटेल्ड एक्सरसाइज इसकी करते हैं ताकि ये हमारा टेंस क्लियर हो जाए। तो अब ये और एग्जाम्पल्स देखें, जैसे सेंटेंस है कल रात मरीज़ ने दम तोड़ दिया। अब ये पॉजिटिव सेंटेंस है, सादा फिक्रा है। द पेशेंट गेव अप द गोस्ट लास्ट नाइट, या द पेशेंट ब्रीथ्ड हिज लास्ट लास्ट नाइट, या कह सकते हैं द पेशेंट ब्रीथ्ड हिज लास्ट येस्टर नाइट या प्रीवियस नाइट। तो ये जो अंडरलाइंड वर्ड्स हैं ये इंटरचेंजेबली इस्तेमाल हो सकते हैं। अगला फिक्रा देखें, 8 घंटे बाद मरीज़ को होश आ गया। द पेशेंट केम टू हिज सेंसेस आफ्टर 8 आवर्स। उसके बाद अंगूर देखकर मेरे मुंह में पानी भर आया। सीइंग ग्रेप्स माई माउथ वाटर्ड। उसने मुझे खामखा गालियाँ दी। खामखा फॉर नथिंग, बिला वजह। ही गेव मी वर्ड्स ऑफ एब्यूज़ फॉर नथिंग, या इसको आप ऐसे भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, ही कॉल्ड मी नेम्स फॉर नथिंग, ही कॉल्ड मी नेम्स फॉर नथिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है उसने मुझ पर बड़ा एहसान किया, ही डिड मी ए ग्रेट फेवर। यहाँ पे ये जो डिड है ये मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, ही डिड मी ए ग्रेट फेवर। नेक्स्ट सेंटेंस है तुमने ये मकान किराया पर लिया, यू रेंटेड दिस हाउस। उसने मुझे एक दिलचस्प वाकया सुनाया, ही टोल्ड मी एन इंटरेस्टिंग इंसिडेंट। नेक्स्ट सेंटेंस कल मेरी साइकिल टांगे से टकरा गई, माई बाइसिकल रैन इन टू टोंगा यस्टरडे। तो रैन इन टू टोंगा, रन इन टू समथिंग, ये होता है टकराना। नेक्स्ट सेंटेंस है उसने टेलीफोन बंद कर दिया। उसने टेलीफोन बंद कर दिया, ही रैंग ऑफ द टेलीफोन, या ही हंग अप द टेलीफोन। हंग अप द टेलीफोन कहेंगे तो इसका मतलब भी है कि उसने टेलीफोन बंद कर दिया। फिर सेंटेंस है कि पुलिस का सिपाही जल्द ही मेरी नज़रों से ओझल हो गया, यानी नज़रों से गायब हो गया। तो इसकी ट्रांसलेशन होगी, दी पुलिसमैन डिसअपियर्ड फ्रॉम माई साइट वेरी सून। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या उसने घोड़े को सरपट दौड़ाया, डिड ही गैलप दी हॉर्स। सरपट दौड़ाना होता है, बहुत तेज़ दौड़ाना, तो गैलप यूज़ होता है, गैलपिंग। तुमने इम्तहान में नकल क्यों लगाई, तो वाई डिड यू यूज़ अनफेयर मीन्स इन दी एग्ज़ाम्स, या वाई डिड यू चीट इन एग्ज़ाम्स, वाई डिड यू कॉपी इन एग्ज़ाम्स। तो ज़्यादा वो फिक्रा जो दुरुस्त है कि अनफेयर मीन्स क्यों यूज़ किए हैं, तो वाई डिड यू यूज़ अनफेयर मीन्स इन दी एग्ज़ाम्स। अब नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हारी किस्मत कैसे खुली, हाउ डिड फॉर्चून स्माइल ऑन यू। तो ये पिछले टेंस में भी हमने यूज़ किया था, उसमें आपने देखा था किस्मत खुलना, स्माइल करती है फॉर्चून जब। तो क्या उसने मुझे बहुत याद किया, डिड ही मिस मी बैडली, क्या तुमने प्रिंसिपल का अच्छी तरह इस्तेकबाल नहीं किया था? डिड यू नॉट वेलकम द प्रिंसिपल वार्मली? क्या वो सज़ा से साफ बच गया? तो डिड ही गेट स्कॉट फ्री, यानी उसको बिल्कुल भी सज़ा नहीं हुई। क्या वो दर्द के मारे चिल्लाता रहा? डिड ही कीप क्राइंग विद पेन। अब यहाँ पे भी आप जहन में रखें कि वो कीप का इस्तेमाल, चिल्लाता रहा, तो डिड ही कीप क्राइंग विद पेन। क्या मोटर कार का टायर फट गया था? डिड द टायर ऑफ मोटर कार बर्स्ट? क्या मुकदमाबाजी ने उन्हें तबाह कर दिया था? डिड द लिटिगेशन रूइन देम? ड्राइवर पुलिस को देखकर सर पर पाँव रखकर भाग गया। सीइंग दी पुलिस, ये भी कल हमने जो लास्ट लेक्चर था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का, उसमें हमने देखा था कि अगर वो दो काम हो रहे हों तो फ़िक्रा शुरू करते हैं फर्स्ट फॉर्म के साथ, उसके साथ आईएनजी लगाते हैं। सीइंग दी यानी पुलिस को देखते ही वो सर पर पाँव रख कर भाग जाना। टेक टू वन्स हील्स, द ड्राइवर टुक टू हिज हील्स, ये है कि बहुत तेज़ वो फ़ौरन ही भाग गया वहाँ से। मज़ीद इसकी एक्सरसाइजेज़, अब ये एक्सरसाइज पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की ग्रामर से है। पिछली एक्सरसाइज में कुछ टेंसेज वो टू दी पॉइंट से भी थे। आप ये 2-3 ग्रामर्स को देख सकते हैं। जिन लोगों के पास पेस ग्रामर है सेकंड ईयर की, वो उसको यूज़ कर सकते हैं। मकसद ट्रांसलेशन की एक्सरसाइज करना है, तो आपके पास अच्छी ग्रामर को भी अवेलेबल है, आप उससे ये कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की ग्रामर से 9th-10th वाली से। लोगों ने बाग में जलसा किया। दी पीपल हेल्ड मीटिंग इन दी गार्डन। मज़दूरों ने जुलूस निकाला। दी लेबरर्स वर्कर्स टुक आउट प्रोसेशन। तलबा ने नारे लगाए। दी स्टूडेंट्स रेज्ड दी स्लोगन्स। क्लर्कों ने हड़ताल की। दी क्लर्क्स वेंट ऑन स्ट्राइक। ये हड़तालें होती रहती हैं, कभी डॉक्टर्स हड़तालों पे गए हुए हैं, कभी नर्सेज हड़तालों पे गई हुई हैं, कभी टीचर्स हड़तालों पे गए हुए हैं। तो इस सिचुएशन में आप देखें, आप ऐसे उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं। द डॉक्टर्स वेंट ऑन स्ट्राइक, द क्लर्क्स वेंट ऑन स्ट्राइक। हमने आपका इंतज़ार किया। वी वेटेड फॉर यू। उन्होंने हमारे मशवरे पर अमल किया। दे एक्टेड अपॉन आर एडवाइस। मुझे आपका ख़त मिला। आई रिसीव्ड योर लेटर। अब ये पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं और आप देखें सब में वर्ब सेकंड फॉर्म यूज़ हो रही है। उस्ताद ने तालिब इल्म को सज़ा दी। दी टीचर पनिश्ड दी स्टूडेंट। हेडमास्टर ने शरारती लड़के को सज़ा दी। दी हेडमास्टर पनिश्ड दी नॉटी बॉय। मज़दूरों ने हड़ताल खोल दी। दी लेबरर्स कॉल्ड ऑफ दी स्ट्राइक। अब कॉल ऑफ होता है स्ट्राइक हटा देना, उसकी हड़ताल को खोल देना। नेक्स्ट सेंटेंस है, नेक औरत ने यतीम बच्चे की परवरिश की। दी नोबल वुमन या लेडी ब्रॉट दी ऑर्फन अप। ब्रिंग अप होता है परवरिश करना, तो ये सेकंड फॉर्म ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट। आपसे वर्ब की फॉर्म्स कहा था याद करें, 12-13 पेजेस 9th-10th की ग्रामर से, उनको अच्छे तरह से याद करें। जिन्होंने अभी तक नहीं किया वो लाजमी करें। आपने मेरे भाई की देखभाल की। यू लुक्ड आफ्टर माई ब्रदर। डॉक्टर ने मरीज़ का ऑपरेशन किया। दी डॉक्टर ऑपरेटेड अपॉन दी पेशेंट। फिर है, मुसाफिरों ने जंगल में आग लगाई। दी ट्रैवलर्स सेट दी फॉरेस्ट ऑन फायर। सेट ऑन फायर होता है आग लगाना। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेगेटिव सेंटेंसेस की है। देखें, उसने तुम्हारी तलख बातों का बुरा ना माना। अब इसको आप ऐसे ट्रांसलेट कर सकते हैं कि ही डिड नॉट टेक इल ऑफ योर बिटर वर्ड्स, तलख बातों का, तलख अल्फाज का, या ही डिड नॉट माइंड योर बिटर वर्ड्स। उन्होंने अपने दोस्त का साथ ना दिया। दे डिड नॉट स्टैंड बाय देयर फ्रेंड। स्टैंड बाय होता है किसी का साथ देना। क्या तुम्हारे भाई ने तुम्हारा हाथ बटाया? हाथ बटाना यानी साथ काम में मदद करना। तो डिड योर ब्रदर लैंड यू ए हैंड। आपने पागल कुत्ता कहाँ देखा? वेयर डिड यू सी दी मैड डॉग। मजीद ने अपने छोटे भाई की परवरिश ना की। मजीद डिड नॉट ब्रिंग हिज यंगर ब्रदर अप। अब जब डिड आ गया है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है। हमने ये पढ़ा है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब डिड यूज़ करना है और वर्ब फर्स्ट फॉर्म। मजदूर ने इतना बोझ कैसे उठाया, हाउ डिड द लेबरर और वर्कर कैरी सो मच लोड। डॉक्टर ने टीका किसको लगाया, होम डिड द डॉक्टर इंजेक्ट। वो कराची कब पहुँचे, व्हेन डिड दे रीच कराची। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या तुम घर खैरियत से पहुँचे, डिड यू रीच योर होम सेफ़ एंड साउंड। और अगर आप सेफ़ एंड साउंड नहीं लगाएंगे तो सेफली। हमने तमाम तारीख़ी मकामात की सैर ना की, वी डिड नॉट विज़िट ऑल दी हिस्टोरिकल प्लेसेस। हवाई जहाज़ ने 7:45 बजे परवाज़ शुरू की, दी एरोप्लेन स्टार्टड फ्लाइंग एट 7:45। 7:45 यानी 7:45, 15 मिनट रहते हैं 8 बजने में, 7:45 बजे। इसको 7:45 कहेंगे ये टाइम बताने के लिए। मेरा ख़त किसने पढ़ा, हु रेड माई लेटर। अब आपके साथ ये बात हो चुकी है कि हु के बाद हेल्पिंग वर्ब ना तो यूज़ होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और ना यूज़ होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। मेरे भाई ने मुझे रेलवे स्टेशन पर खुदा हाफिज़ ना कहा, माई ब्रदर डिड नॉट से और बिड मी गुड बाय एट द रेलवे स्टेशन। मोची ने मेरा जूता मुरम्मत क्यों ना किया, वाई डिड द कॉबलर नॉट रिपेयर माई शू। दरवाज़ा किसने खटखटाया, अगेन हु है, हु नॉक्ड एट द डोर। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के ऊपर है। अब एक्सरसाइज देखें। पहला सेंटेंस है उन्होंने हमारी दावत कबूल ना की, दे डिड नॉट एक्सेप्ट आवर इन्विटेशन। क्या तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हारी कामयाबी पर मुबारकबाद दी, डिड योर फ्रेंड्स कंग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस। कमरे में झाड़ू किसने दिया, हु स्वेप्ट द रूम। अगेन हु के बाद हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं हुआ। उन्होंने तुम्हारा इस्तकबाल कैसे किया, हाउ डिड दे ग्रीट और रिसीव और वेलकम यू। तो ये इस्तकबाल के लिए ग्रीट आ सकता है, रिसीव आ सकता है, वेलकम आ सकता है। क्या तुम्हारे दोस्तों ने ये खेल पसंद किया, डिड योर फ्रेंड्स लाइक दिस गेम और स्पोर्ट। उसने अपनी तमाम जायदाद फरोख्त ना की, ही डिड नॉट सेल ऑल ऑफ हिज या होल ऑफ हिज प्रॉपर्टी। बावर्ची ने चावल किस तरह पकाए, हाउ डिड द कुक प्रिपेयर राइस। हाउ डिड द कुक कुक राइस, प्रिपेयर राइस। नेक्स्ट सेंटेंस है मैंने अपने वालिद को हवाई डाक से ख़त न भेजा, आई डिड नॉट सेंड लेटर टू माई फादर बाय एयर मेल, हवाई डाक से। क्या अफसर ने अपने चपड़ासी को तब्दील ना किया, डिड द ऑफिसर नॉट ट्रांसफ़र हिज पीएन। मजीद ने दोनों हाथों से दौलत क्यों उड़ाई, वाई डिड मजीद बर्न दी कैंडल एट बोथ हैंड्स। मोमबत्ती को दोनों तरफ से जला दें, वो बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाएगी। तो दौलत उड़ाने का भी यही है कि जी दोनों हाथों से दौलत उड़ाना, मकसद कि वो चीज़ बहुत जल्दी ख़त्म हो जाए। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या मजिस्ट्रेट ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया, डिड दी मैजिस्ट्रेट कैच हिम रेड हैंडेड। हवाई जहाज़ अड्डे पर कब उतरा, व्हेन डिड दी एरोप्लेन लैंड ऑन दी एयरपोर्ट। क्या तुमने परवाज़ से लुत्फ़ उठाया। अब इसको ट्रांसलेट जब हम करेंगे, डिड यू इन्जॉय दी फ्लाइट। मालगाड़ी मुसाफिर गाड़ी से कहाँ टकराई, वेयर डिड दी गुड्स ट्रेन या फ्रेट ट्रेन कोलाइड विद पैसेंजर ट्रेन। तो कोलाइड विद होता है टकराना। तुमने मुझे फ़ैसले से आगाह न किया, यू डिड नॉट इन्फॉर्म मी ऑफ दी डिसीजन। अब ये हमारे पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की एक्सरसाइजेज और कुछ पहले एग्जांपल्स आपको लिखवाई हैं, ये कंप्लीट हो गई हुई हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमारा कंप्लीट हो चुका है। बहुत ज़्यादा बातें ये इन टेंसेस के ऊपर बेस करती हैं। ये पहले 2-3 टेंस अच्छी तरह से आ जाएं तो नेक्स्ट टेंसेस आसान हो जाते हैं। मेहनत करें, इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।